नमस्कार, मैं मानिक गुप्ता सुरागीलाल न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और जिस विषय को लेकर आज मैं आप सभी के समक्ष आया हूं वो बेहद ही गंभीर मुद्दा है। जी हां, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं काशीपुर में एनिमल क्रुएलिटी एक्ट लगने की। जी हां बिल्कुल, इस समय मौजूद है काशीपुर के खड़गपुर रोड पर। जी हां बिल्कुल, खड़गपुर मार्ग है ये। और यहां पर आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे यहां पर जो ये क्रेन खड़ी है, ये दो घोड़ों को लेकर जो ये उठाकर लेके जा रही है, मैं दिखाना चाहूँगा। दरअसल में ये दो जो खच्चर हैं, इनको रात एक बड़ी गाड़ी जो है टक्कर मार के गई है, ये सूचना में प्राप्त हुई। लेकिन जो बेहद गंभीर विषय है वो ये कि लगातार सुरागीलाल न्यूज़ चैनल इस चीज़ को लेके लगातार आवाज़ उठाता रहा है, और जो काशीपुर की सामाजिक संगठन है वो भी आवाज़ उठाती रही है कि आपसे यदि इनको पालना है, आप इनको यदि पालना चाहते हैं तो इनकी जीवन भर की रक्षा कीजिए, क्योंकि आपका काम खत्म होने के बाद जब आप इनको सड़क पर छोड़ देते हैं तो ये इसी तरीके की दर्दनाक मौत मारे जाते हैं, जिसके बाद इनके शव को जो कुत्ते हैं, जो जानवर हैं, सड़क पर आकर वो खाते हैं, नोच नोच कर। इतनी दर्दनाक मौत इनको मिलती है, जबकि जीवन भर ये आपके पैसे का एक साधन होते हैं। तो वहीं जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि दो खच्चर यहाँ पे इस समय मौजूद हैं, जिनके शवों को यहाँ उठा के लेके जा रहे हैं। नगर निगम काशीपुर की टीम तो यहाँ पे आ चुकी है, मैं उनसे जानना चाहूंगा, आप तो लगातार यही काम करते होंगे, क्या कहना चाहेंगे इस चीज को लेकर? भैया बहुत ज्यादा बुरी स्थिति है, रोज 4-5 हो जाते हैं, जिसमें 2-3 एक्सीडेंट भी होते हैं रोज। कुछ लावारिस जो छोड़ देते हैं वो भी मतलब बीमार हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, कोई केयर नहीं होती है। अगर कोई भी दुख परेशानी है तो उसको रोड पर छोड़ देंगे, दवाई उपचार उसका कोई नहीं कराता। मैं खुद उठाता हूँ, 5-6 रोज हो जाते हैं यहाँ पर, 2-3 एक्सीडेंट भी उठाता हूँ मैं। अभी भी रामनगर रोड पर फ्लाईओवर के पास में एक बछड़ा और पड़ा हुआ है वहाँ पर एक्सीडेंट, उसको भी उठाना है जाकर, और शाम दूर है भी, 2-3 और हो जाएंगे शाम तक। मतलब ये जो स्थिति है ये खाली एक सड़क की नहीं, पूरे काशीपुर की नहीं, पूरे क्षेत्र की है। और लगातार इस तरीके के जो एक्सीडेंट केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें लगातार जो है ये आपके काम आ रहे हैं, लेकिन आप इनके काम नहीं आ पा रहे हैं। जी हाँ, वही मेरी बात हुई है काशीपुर के सामाजिक संगठनों से। तो जो गौ रक्षक दल वाले लोग हैं, जिन्होंने मेरे को बताया, जिनसे मेरे को जानकारी हुई, मेरी बात हुई है अभिषेक ठाकुर से, उनके द्वारा मुझे सूचित किया गया है कि इस प्रकार के कार्य करने वाले जो हिट एंड रन केस है, जो यहाँ गाड़ी से टक्कर मार के जा रहे हैं उन पर भी, और साथ में जो लोग पाल कर छोड़ रहे हैं उन पर भी, जो एनिमल क्रुएलिटी एक्ट का जो मुकदमा है वो दर्ज कराने के लिए आज ही तहरीर देंगे। वही मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि सड़क पर घूमने वाले कुत्ते। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब इस तरीके की डेड बॉडीज़ वहाँ पड़ी होती हैं, जी हाँ मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ जानवरों की, तो उसके बाद इस तरीके से जो पूरे क्षेत्र में दुर्गंध है वो भी फैलने लगती है, और कहीं ना कहीं पूरे क्षेत्र को भी इसका जो कह सकते हैं दुष्परिणाम है वो देखना मिलता है। जी हाँ बिल्कुल, जुड़े रहिए, पूरी अपडेट आपको देंगे सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हाँ, उठाने के लिए कोई तैयारी नहीं है इसे। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ इसका? ट्रक से। लगभग कब की बात होगी? रात की है, रात। हमारे बीच में अभी मौजूद हैं, आपको मैं बता दूं कि काशीपुर में लगातार गायों की, या फिर बात करें सभी पशुओं की निरंतर सेवा करते हैं और सभी प्रकार से एक्टिव रहने वाले अभिषेक ठाकुर। अभिषेक ठाकुर जी, आपका स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल में। आप सभी को मेरा नमस्कार। बात करें जिस तरीके से लगातार जो है एक सड़क दुर्घटनाओं में, कहीं ना कहीं इंसानी सड़क दुर्घटनाओं की अभी मैं बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो ये जानवर जो होते हैं, जो सड़क पे घूम रहे होते हैं, इनकी तो लगातार दुर्घटनाओं में जान जाती दिखाई दे रही है। अभी भी बात करें तो आप जैसे कि जैसे भी आपको सूचना मिली है कि यहाँ पर खड़गपुर रोड पर भी दो जो खच्चर होते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ऐसे में सबसे पहले तो उनके ऊपर जो लोग इन खच्चरों को पालते हैं, यूज करते हैं अपने पर्सनल यूज तक, जब तक ये चल रहे हैं, जब इनको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो दवाई दारू नहीं करवाते, उन्हें रोडों पर छोड़ देते हैं। जी, तो पहली चीज तो उनके लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग यूज कर रहे हैं उनके ऊपर पशु क्रूरता के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जी, और अगर मुझे पता चलता तो मैं मुकदमा दर्ज करवाऊंगा अपना बलदेवा धाम फाउंडेशन गौरक्षा दल की ओर से। जी, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग टक्कर मार के जा रहे हैं शहर के अंदर, उनके लिए भी कार्रवाई करवाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली गाड़ी है स्पीड से, बच्चों को बहुत चलवाए जा रहे हैं लोग, और गाड़ी स्पीड से चलाते हैं लोग शहर के अंदर, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। जी, कुछ लोग अपने जानवरों को यूज करते हैं, यूज करने के बाद बाहर रोड पे छोड़ देते हैं और देखने भी नहीं आते हैं। जी, तो बात करें जैसे कि अभी आपको ये सूचना मिली है खड़गपुर की, तो इस मामले में भी आप जो है जो पुलिस प्रशासन है काशीपुर में, उनको इनके विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करने के लिए अपील करने जा रहे हैं, तहरीर करने जा रहे हैं? हाँ सर, मैं इसकी एक तहरीर बनवा रहा हूँ, अभी छोटी सी तहरीर लेके फिर कोतवाल साहब के पास जाऊंगा, कोतवाल साहब को तहरीर दे दूंगा तुरंत ही। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। तरीके की दुर्घटनाएं बहुत सारी हमारे शहर के अंदर हो रही हैं, जिसको कोई भी काम नहीं करना चाह रहा है। जी, और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। रात भी 3 बजे मेरे पास कॉल थी, रात भी 3 बजे एक एक्सीडेंट था गोवंश का, मैं उसको भी देख के आया हूँ, कोई नहीं बोलता है कि हमारा है।
जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चैनल पर जुड़ने के लिए। बाकी पूरी अपडेट जो है आपको हम जो है देंगे, और आप भी जो है उस तहरीर की कॉपी भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल धन्यवाद। उत्तराखंड की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सब्सक्राइब, लाइक और फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।